अल्लाह मेरी आग जल रही है जबरदस्त। मुबारक हो जी, मुबारक हो लाला। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक ठाक, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई भी ठीक ठाक होंगे। तो जी आज सुबह सुबह तो मैं नहीं उठी, इसलिए नहीं उठ सकी कि मैं तबीयत भी कुछ ऐसी वैसी होती है। फिर मैं कहती हूँ कि भाई ये ना हो कि ज़्यादा मसला ख़राब हो जाए, क्योंकि जब उस पर स्टिच पे हवा वगैरह लगती है ना मुझे, तो फिर तकलीफ होती है। तो अब मैं लगी हूँ खाना वगैरह बनाने, और गैस भी नहीं है, और आज धूप भी बिल्कुल नहीं निकली, बारिश का मौसम हुआ हुआ है। तो बाकी जो बारिशें हों खैर से हों, क्योंकि जो लोग झोंपड़पट्टी में रह रहे हैं खासकर उनके लिए बहुत परेशानियाँ बनती हैं, जिनके कच्चे मकान हैं। वो कहते नहीं हैं इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। तो बस उनकी तो देख के आता है जो लोग कच्चे घरों में रह रहे हैं, और सब काफ़ी बहन भाइयों के तो कारोबार भी बंद हो जाता है, बहुत टेंशन बनते है। क्यों भाजी रजिया? हाँ जी, मैंने कहा जो लोग कच्चे घरों में रह रहे हैं उनके लिए खासकर बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है। दोबारा कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाजी रजिया, मुझे ना वहाँ रख दे ना, चूल्हा भी कैक्शा भी, और कैक्शा भी रख दो कह रही हूँ मैं, तो कैक्शा ऊपर से थापी वगैरह ले आती, चूल्हा जला लेते हैं, तो धूप ही नहीं निकली है बिल्कुल भी। तो मैं तो लेटी रही, फिर मैं निकली नहीं, और मैंने कहा इससे बेहतर ये कि अपनी तबीयत खराब करने। बारिश का माहौल है ना? अच्छा, बारिश का माहौल है आज, इसका मतलब फिर ऊपर जाऊँ और जाके जो समेटना समेट लूँ सारा। चले कोई नहीं, अल्लाह बेहतर। देखे जी आज धूप नहीं निकली, और माशाल्लाह माशाल्लाह मस्जिद का मंजर बहुत प्यारा, और ये देखिए आज की धूप वगैरह नहीं है, और बच्चे बाहर गलियों में घूम फिर रहे हैं। आ गए हैं जी हम छत पे, मैंने कहा बाजी रजिया को के थापियां ले चलते हैं नीचे, वो जो छोटा गट्टू नहीं है बाजी रजिया, उसमें ले चलते हैं। तो ठंड काफी ज्यादा है, और देखिए ऊपर का माहौल, ये मैं बादल छाए हुए हैं घने बादल, लेकिन ये कि जो बारिश का मौसम बना हुआ है, देखिए क्या बनता है, जो भी होगा अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह मस्जिद की सदाएं भी बहुत प्यारी आ रही हैं, बाजी रजिया वो थापियां भी लेकर जा रही हैं, मैंने कहा थापियां भी ले चलें, चलें नीचे खाना वगैरह बनाने के लिए। पतीला तो मैंने मारिया से का पतीला दो मुझे, और ये बाजी आग लगा रही हैं इस टाइम चूल्हे में, मैंने कहा लीड खोल दें, मेहरबानी अस मेरे साथ लगे हुए हैं काम करवाने में। तो ये माशाल्लाह मेरी आग जल रही है जबरदस्त, क्या लीड नहीं खुल गई? लीड नहीं खुल दी थी बाजी? तो ये है जी हमारी मारिया, हमारी भांजी भी है, बहू भी है हमारी, है हमारी बच्ची है, मतलब बच्ची ये समझ लो बेटी है हमारी, तीन तीन चार चार रिश्ते हैं, जो मेरी बहन बनी है ना उनकी ये बहू है। तो फिर हमारे लिए तो हमारी भी बहू हुई और बेटी है हमारी, और ऊपर से बह बहगी आ रही है आवाज बड़ी जबरदस्त। वो दुम्बो की आवाज है, क्यों? क्या मैंने कहा चलो शुक्र है आज आज वो है, क्या नाम है इसका, लाइट है, लाइट है। तो ये चूल्हा हमारे जिनसे हमारी बहन ने भेजा था हमें गिफ्ट, तो हमारे ये काम आ रहा है, तो चाय बनाते हैं फिर, क्योंकि सूरज तो निकला ही नहीं ना। आज तो मौसम के हालात बहुत बुरे हैं, तेज हवा है और बादल है, क्योंकि आज फोरकास्ट हुई थी कि जी आज सूरज नहीं निकलेगा, कल जो है सूरज निकलेगा। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगा जैसे बारिश के असरात हों। नहीं, बारिश के मुमकिन, अल्लाह ताला की जात है, वो तो कुछ भी कर सकती है, कादिर है वो हर चीज पर। मौसम देखा है लेकिन बेशक बेशक इसमें कोई शक नहीं, ऊपर गई हूं तो मैं छत पे, एक वो होता है आइडिया ना किसी का भी, अल्लाह से तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन ये सिर्फ एक आइडिया है मौसम वालों का कि भाई महकमा मौसमियात का कि कल जो है धूप निकलेगी। अच्छा, आज बादल रहेंगे। आ तो बादल है, जब मैं गई हूँ ना छत पे तो मैंने देखा काफी बादल है, बहुत बादल है। तो जी माशाल्लाह से दोनों बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं इस वक्त जहाँ नमाज पे नमाज, और मोहम्मद जय जहाँ नमाज छोटा सा लेकर उस पर पढ़ रहा है नमाज, और कैक्षा पढ़ रही है अपनी असर की नमाज, क्योंकि असर का वक्त हो रहा है, क्योंकि मैंने भी नमाज पढ़ने जाना है। अपी जी लेने के लिए आए थे प्याले, यस चाय पीने के लिए प्याले लेने आए थे, अब चाय पियेंगे सब। धुआं बहुत ज्यादा हो रहा है। नहीं, धुआं चाय का। चाय का? जी जी, चाय गरम गरम मैंने उतारी है ना। अच्छा, इसलिए ओनो चरपाई पे बैठो,
आंटी के पास बैठो, जल्दी करो जल्दी। हाँ जी आपकी चाय भी मिल रही है। तो आज बहन भाई जी जिसने चाय पीनी है, गरम गरम मौसम है और ठंडा ठंडा मौसम है और गरम गरम चाय है, गरम गरम मौसम है ठंडी मीठी चाय है। नहीं ऐसा तो मैंने कुछ नहीं। और देखो बकरे की भय दस्ती आई है, जैसे वीडियो बनाने लगते हो ना फौरन बकरा बोल पड़ता है। आपने भी कहा कि ये खातून क्या कह रही है, ये खातून इसको क्या हो गया इस खातून को। वाह जी वाह, वाह जी वाह, गोभी काटी जा रही है। जी जी मैंने कहा चूल्हा तो वहां चल रहा है। अच्छा अच्छा आलू गोभी में गुजारा कर लेते हैं, सही है ना। चलो ठीक है, जैसे भी हो करना तो गुजारा ही है ना यार। बगैर चावलों के दाल खाई नहीं जाती ना। हाँ जी मैंने इसलिए कहा मैंने थोड़ा सा चले आलू थोड़े से ज्यादा डाल लूंगी और गोभी जो है ना वो डाल देते हैं। ठीक हो गया, थोड़ी सी मुझे मेथी और ये खैर है, बैंगन भी बीच में डालना है। नहीं नहीं बैंगन का तो भरता बनाऊंगी कल ना। कल बनाओगी जी, क्योंकि आज दही नहीं है तो इंशाल्लाह। चलो कल तो होगा दही जी, कल होगा ना। हाँ तो बस फिर कल इंसान बैंगन का ना भरता बन जाएगा, दही वाला इंसान होता है ना। ठीक है मैं घर की निकाल लूंगा ना जी फिर। जी वो शिमला मिर्च वगैरह डालता। ठीक हो गया सरकार, ठीक हो गया। तो बेटा मारिया ने जो है धो दिए हैं आलू। वाह और छुरी दे दो मुझे, इधर दे दो मुझे। क्या है? अच्छा चलो ठीक है, मारिया ने आलू धो के मुझे दिए, अभी ने काट लो, फिर इसे गोभी डालो, इकट्ठे धुल जाएंगे। चले जल्दी करें फिर, पका ले फटाफट, भूख से दम निकल रहा है आज मेरा। सर टेंशन ना लें, बाकी रस्सी से कहती हूँ आटा गूंद दे, आज मिलजुल के काम कर लेते। ठीक है तो जी मैडम मेरी धो रही है आलू और गोभी और साथ साथ लगी हुई है फोन पे जो कि मेरा फोन लाला जी को ना पोती हुई है माशाल्लाह। मुबारक हो जी, मुबारक हो लाला जी को बहुत बहुत। हाँ मैंने ना मुबारकबाद दे दी, मैंने कहा लाला जी मुबारक हो गए, और लाला आवा जाए जल्दी ठीक है ना, मिठाई घेर के आवा जाए बाद ठीक है। ठीक है अल्लाह हाफिज़। तो जी मेरी मैडम जो है वो इस वक्त प्यास कर रही है फ्राई, ये डाल दिया है, प्याज डाल दी है धोकर जी, थोड़ा सा चिकन था मैंने कहा चले वो डाल लेते हैं, गोभी का फूल था वो भी और आलू भी। हाँ चले आपका रात का मजा अच्छे से। गोभी या चिकन या गोभी और आलू दो, एक गोभी चिकन आलू फिर क्या करना है मुझे बता दे। नहीं डालती मैं चिकन के। नहीं डालो डालो डालो, नहीं आप कहते हैं तो मैं डालो डालो। तो जी ये माशाल्लाह से धो लिए हैं टमाटर जी जी, और टमाटर मैंने धो लिया, प्याज मैं ब्राउन करने के लिए रखा ही हूँ। अच्छा तो एक पाव उधर है एक पाव इधर है, क्या करें फिर, करना तो है ना। हाँ जी गैस अभी तक नहीं आया और टाइम भी काफी हो चुका है, ये आने वाला ही जो कि मैं साबुत ही डाल के रखती हूँ, मैंने काट के कभी नहीं डाली। 5:30 बजे तक गैस आ जाएगा, देखे अल्लाह बेहतर करे अगर आ जाए तो, वरना आसार नजर नहीं नहीं आ रहा है। चले तो ये जी हमारा मिलावट का सिलसिला। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मिलावटी खातून तो आपको मैंने मशहूर किया हुआ है। मैंने हल्दी ज्यादा दे दी थी, ये मिर्च चटपटा बनाना नहीं, बस बस दरमियाना मुंह पके हुए, चूल्हा मिस हो गया है मुंह पास, सुनो वो कह रहे चूल्हा बंद हो गया। अच्छा चलो माचिस ले आओ, बाजी नजिया इसका ना फैन चला लें। हाँ जेटा मतलब फैन चले से ना। अच्छा जी तो काली मिर्च अब के लिए हो जाएगी पूरी, ये काली मिर्च हमारी, और थोड़ी सी क्यूब्स डाल लो। क्यूब्स चले जायका आ जाएगा, वैसे भी चिकन तो है बीच में, और मुझे ना मेथी मंगवा दे। मेथी जी। अच्छा जी तो जी ये मिलावटी खातून का है मिलावट का सिलसिला, और धुआं धुआं सारा इधर हुआ हुआ। तो हो गया वो गेट खोल, मैं पता क्या कह रही थी, मैंने कहा पता नहीं कोई चीज मैं भूल गई हूँ, लेकिन याद आया अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा अदरक लहसुन रह गया था जी, ये रह गया हुआ था सही। तो ये भी और ये 2 दिन का है, 3 दिन का बाकी पीछे। अच्छा जनाब सर मैं नौकरी करूंगा, नहीं आप नौकरी ना करें बस ये काम कर दें, अदरक लहसुन मुझे ला दे, टमाटर तो आज आखिरी थे बस ये। अच्छा ठीक हो गया वो भी ले, प्याज भी यही था
प्याज भी खत्म है? प्याज भी यही था और टमाटर भी यही थे। कुछ और बचा हुआ है? मैं बची हूँ। यानी कि अच्छा चलो छोड़ो फिर। तेरी प्याज हमारे लाइट बनाओ होना शुरू हो चुके हैं और फिर इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। और ये हमारा चूल्हा हो रहा है, हमारा फ्राई और मिलावटी खातून की मिलावट का सिलसिला हो चुका है शुरू। धुएं धुएं में बैठी है इस वक्त और सारा धुआं आपको वीडियो में साफ नजर आ रहा होगा कि आज का दिन है। मुझे धुआं धुआं सा रहने दो, पानी लगा के अच्छे से थोड़ा सा। अच्छा हाँ जी, धुआं धुआं सा रहने दो क्योंकि वो तंगी कम ही होती है ना। हाँ जी, ये थोड़ी सी मैंने मेथी मंगवाई है, हल्का सा पानी ऐड कर देना इसमें क्योंकि आज मौसम ऊपर अबर आलूद है। और दिखा देता हूँ, धूप नहीं निकली है, मैंने दिखाया, धूप नहीं निकली बिल्कुल भी, मैंने भी दिखाया है। तो ये थोड़े से मेथी का टच दे देंगे इसमें, और जो गोभी की मैंने सब पहले ही बताया था कि वो जैसे कहते हैं, कोई कहता है गोभी की खुशबू अच्छी नहीं लगती, तो उसमें हल्की सी अगर मेथी डाल दें तो बड़ी जबरदस्त खुशबू आ जाती है, टेस्ट भी बहुत जबरदस्त बनता है इसका। तो अब देखते हैं जी, मसाला हमारा बन जाए, फिर वो सारा सामान डालकर और फिर ये जमसाना। अच्छा साहब ने गाड़ी भी आपके ऊपर पार्क की हुई है? जी, और मोहम्मद ने गाड़ी मेरे सर पे रखी हुई है यहाँ पे, क्योंकि बाइक जाता है घूम फिर के आ जाता है। अब तो जब से चोट लगी है ना उसे, अब सुकून से कंबल में बैठा हुआ है। अभी आटा गूंदने वाला है, आटा भी गूंद लेते हैं। चलो मैं बाजी को कहता हूँ गूंद देती हूँ, और इतने में गैस भी चले आ जाए, दुआ करे गैस आ जाए तो फिर हम जमसाना रोटी भी बन जाए। इधर आ गया हुआ गैस, चले अब आंडी तो बनने दे इसकी, क्यों आग वगैरह आग जलाई है तो हमें, क्योंकि फिर बाजी रजिया भी हाथों को सेका दे रही है अपने, बाद में दिए ना करे हाय ये क्या किया मेरे साथ, ये क्या हुआ। क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। वाह, जैसे देख रहे हैं अभी मेथी गीली है, मैंने साबुत ही धो ली है और अब इसे काट दी हूँ। मसाला भी हमारा भुन चुका है, जो चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया था, अभी मैंने मसाला ऐड कर दिया, अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। और दिखाओ मैं सब बहन भैया को, मिर्ची जैसे मैंने बताया था कि मैं तो साबुत ही डालती हूँ, साबुत मिर्च अच्छी लगती है, जिसका दिल चाहे वो खा रहे। तो रजिया बाजी अब सदा सामान ऐड कर रही है, इसमें आलू गोभी और थोड़ी सी जो मैंने मेथी ली थी, मैंने कहा था वो भी ऐड करनी है, उससे खुशबू बहुत जबरदस्त बनती है, खाना ही बहुत प्यारा और जबरदस्त बनता है और लजीज बनता है जी। माशाल्लाह गोभी हमारी ऐड हो चुकी है, अब इसे दम पे लगा देंगे, पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे उसी में, क्योंकि ये अच्छे से बन जाएगी गोभी। इसमें एक गिलास या आधा गिलास पानी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मट्टी की हंडी है। अच्छा मट्टी के दूसरे में पानी नहीं डालती जी। माशाल्लाह से हो गया हमारा खाना तैयार, सालन हमारा बन चुका है। तो ये खाना हमारा बन चुका है और वीडियो भी काफी लंबी हो जाती है, कई बहन भाई हैं जो माशाल्लाह से कहते हैं कि भाई ये वीडियो इतनी लंबी ना किया करे। चले मैंने कहा यहीं पे अल्लाह हाफिज कह देते हैं, और जैसे मैं समझो उठे हैं तो उठते ही हमें गुड न्यूज मिली है, कुछ खबरी मिली कि भाई अल्लाह ताला ने हमारे लाला जी को पोती दी है, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे रहमत भेजी है, रहमत दी अल्लाह ने। तो पहले बेटा था अब बेटी हो गई, तो दोनों बहन भाई जोड़ी मुकम्मल हो गई, क्यों जी। आमीन आमीन। तो अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे और तमाम बेटियों के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा, आमीन सुम्मा, क्योंकि माँ बाप सब कुछ देता है, बेटियों को नसीब नहीं देता, उनके नसीब से डर लगता है। और इसके साथ ही अब मैं इजाजत चाहूंगी, तो अल्लाह हाफिज। जो मुझे पाकिस्तान इंडिया दोनों वाले से देखने सबको मित्र से अस्सलाम वालेकुम, और आ जाए जिसने हमारे साथ आलू गोभी गोश्त खाना। और एक रिक्वेस्ट है शायदा सिस्टर के लिए कि वो बीमार हैं और उनको तकलीफ बहुत ज्यादा है, तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। आप सब भी दुआ कीजिएगा, हम भी अपनी दुआएं करते हैं लाजमी, अल्लाह उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला मेरी बहन को लंबी जिंदगी दे, अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे, जितने भी बीमार अल्लाह ताला सब बहन भाइयों को शिफाए कामिला अता फरमाए। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाजत, जहां जहां जो जिस जिस मुल्क से हमें सब देख रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया भी दोनों मालिक हमारी वीडियोस वाच करते हैं, हम इतना पसंद करते हैं सबको, मेरे से अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। जान भी रहे, पूछ रहे, आबाद रहे, अच्छा सब लोग रहे, अगर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हमारे अगर हमारी वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।